हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाले अपने गांव की शेयर कराऊंगी और दिखाऊंगी कि यहां पर कौन कौन से प्लांट्स वगैरह होते हैं। ये देखिए, बहुत सुंदर नज़ारा है इस समय सुबह के 9 बजे। और देखिए आप, तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहाड़ का घर है। काफ़ी हाई अल्टीट्यूड में होने के कारण यहाँ पर काफ़ी ठंड भी पड़ती है और यहाँ पर बहुत सारे ऐसे औषधीय मेडिसिनल प्लांट्स भी हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। देखिए कितना सुंदर नज़ारा है, बादलों से घिरा हुआ है पूरा। दाने वो काली मिर्च की तरह लग रहे हैं छोटे, और इसकी खुशबू है जो काफ़ी ये है। ये एक मेडिसिनल प्लांट है जो उत्तराखंड में ही होता है, इसे तिमूर कहते हैं। ये आपका डायबिटीज़ के लिए काफ़ी हेल्दी होता है। ये देखिए, इसको काफ़ी अच्छा माना जाता है। इसके इस तरीके से छोटे छोटे सीड पॉट्स हैं, काफ़ी चीज़ों में इसका यूज़ होता है। देखिए ये देखिए, इसमें जो कागजी नींबू होता है उसका है, ये बिल्कुल फ्रेश अभी टूट रहे हैं हमारे लिए। इधर देखिए चाची, फ्रेश नींबू। ये देखिए, इस पेड़ में कम से कम 1000-2000-3000 तो होंगे ही ना, ज्यादा है। पूरा जो पेड़ है ये नींबू से लदा हुआ है। ये देखिए, तो इस नींबू के पेड़ से हम कटिंग लेके भी इसको अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। और ये बहुत ही अच्छा जो है नींबू है, क्योंकि बहुत छोटे दाने वाला है, इसे कला कागजी भी कहते हैं। और ये कटिंग के थ्रू भी आसानी से हम लोग इसको अपने घरों में लगा। और ये देखिए फ्रेंड, ये जो वेजिटेबल है इसे गेठी कहते हैं हमारे उत्तराखंड में। ये भी काफ़ी मेडिसिनल वेजिटेबल है, इसे हम कई रूपों कई तरीके से बना सकते हैं। इसको बॉयल, बेबी सनरोज का प्लांट कितना अच्छा ग्रो कर रहा है, ऊपर पूरा यहाँ से निकला हुआ बेल देखिए इसकी हैंगिंग के लिए, बहुत ही बढ़िया हैंगिंग के लिए, बहुत अच्छा प्लांट है, काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। नीचे से देखिए पूरा नए नए इसमें फ्लावर्स भी आ रहे हैं। ये विंटर सीजन का है ना, विंटर सीजन का बहुत अच्छा प्लांट है। देखिए इसके फ्लावर भी बहुत अच्छे हुए हैं, पूरा ऊपर से लगा हुआ है। इस तरीके से जी, इसमें रात के समय इसमें फ्लावरिंग काफ़ी अच्छी, इसमें बर्डिंग हो रही थी। देखिए आप, इसमें स्मेल वो काफ़ी अच्छी ना, रात को खिलता है। हाँ, हाँ बहुत अच्छी। और ये क्या है, ये कौन सा पत्थर चट्टा? ये पत्थर चट्टा है। हाँ, ये मेडिसिनल प्लांट है ना? मेडिसिनल प्लांट है। अच्छा, दरअसल ये पथरी के लिए ना। अच्छा, पथरी के लिए बहुत ही अच्छी है, इसकी रूट बनी हुई है। हाँ, इसी को यूज करें। इसकी रूट को मेडिसिन इसके लिए यूज करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए काफी अपने आप ये इनमें लगा हुआ है, क्योंकि पत्थरों पे ही होता है, रॉक पे ही होता है, तो रॉक पे लगा ना। ये देखिए पत्थर चट्टा,